हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आप लोग क्या देखे थे? इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू और टाइप्स ऑफ टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू देख चुके थे। और आज की क्लास जो होने वाली है, वो जितना भी एपिथेलियम टिश्यू का जो टाइप है, उन सभी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप देखे थे कि एपिथेलियम टिश्यू का दो टाइप देखे थे आप लोग। एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू था और एक क्या था आपका, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो अब इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बाद हम कंपाउंड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में क्या है भाई, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है, कि इसके जो सेल्स जो रहेंगे वो अरेंज रहेंगे सिंगल लेयर में सेल्स अरेंज रहेंगे ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर इसके जो सेल्स होते हैं वो सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं, ठीक है। अब सिंपल एपिथेलियम का टाइप देख लेंगे हम लोग क्या क्या भाई। तो सिंपल एपिथेलियम का टाइप हम पहले भी पिछले क्लास में बता चुके हैं कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइड एपिथेलियम, याद है ना, कोलुमनर, सिलिएटेड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब हम उसी को डिटेल्स यहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है क्या, सिंपल एपिथेलियम का, क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। पहला क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहली बात क्या है, जो इसमें जो सेल्स जो रहेंगे ना, वो सिंगल लेयर में अरेंज रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इसके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैटेड होते हैं, यानी इसके जो सेल्स कैसा रहेगा, फ्लैट शेप का रहेगा। और एक फिगर इसमें और देख लीजिए, इसके सेल्स फ्लैट होते हैं देखिए, इसके सेल्स फ्लैट शेप के रहेंगे और इसके सेल्स काफी ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। और फ्लैट रहने के कारण ये इस तरह से दिखते, लगता है कि किसी फ्लोर पे ना टाइल्स बिछा हुआ है। टाइल्स तो आप लोग जानते ही होंगे, टाइल्स, हाँ, जमीन का जो टाइल्स है। यह टिश्यू इस तरह से, इसके जो सेल्स होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं, काफी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और फ्लैट रहने के कारण दिखता है, लगता है कि कोई किसी फ्लोर पे टाइल्स बिछा हुआ है। इसको हम लोग पैवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं, पैवमेंट एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। और इसका जो सेंट्रल न्यूक्लियस रहेगा ना, जो बीच का जो न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल मतलब बीच का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका थोड़ा साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इन सब का पेछा उसका जो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां, यानी किस किस ऑर्गेन्स में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मौजूद, यानी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यानी ये भी कह सकते हैं कि कौन कौन ऐसा ऑर्गेन्स है जिसको फॉर्मेशन करने में
सिंपल अस्क्वामस एपिथेलियम का हाथ होता है, तो अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कौन कौन ऐसा हमारा ऑर्गेन्स है जहां पर ये रहेगा। तो सबसे पहले क्या एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोस, बोमन्स कैप्सूल, रेटी ऑफ टेस्टिस, इंटरनल ईयर, और ब्लड वेसल्स एक साथ लिख देते हैं, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। इन सभी जगह और भी ऑर्गन्स का पार्ट है, लेकिन इतना काफी आपके समझने के लिए है कि ये सभी ऑर्गन्स में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू मौजूद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए इसका हम लोग फंक्शन देखिए, फंक्शन फंक्शन किस आधार पर देखते हैं, पता है जिस ऑर्गेन्स में यह मौजूद है उसी के आधार पर हम इसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम ना, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, चूंकि यह नेफ्रॉन में यानी बोमन्स कैप्सूल में होता है तो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। कंडक्शन ऑफ ब्लड, चूंकि ब्लड वेसल्स में है, ब्लड के कंडक्शन में भी हेल्प करेगा, क्या साथ ही साथ इस साउंड को पास करने में भी हेल्प करेगा, साउंड को वाइब्रेशन में भी हेल्प करेगा, चूंकि ये इंटरनल ईयर में भी यह टिश्यू मौजूद रहता है, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू आप देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के बाद का जो टिश्यू है वो क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सेकेंड नंबर क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल, तो अब हम लोग इसको देखेंगे, गौर कीजिएगा इसके जो सेल्स होते ना हैं, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। देखिए नाम क्यू परा क्यूबॉइडल, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, पता नहीं कि नाम में कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहता है, ठीक है। नाम में बहुत बड़ा चीज, अगर किसी चीज का अगर नेमिंग दिया गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस वर्ड उसमें कहीं छुपा हुआ उसके नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू किसे कहते हैं, इसके जो सेल्स होते ना है वो क्यूब
या स्क्वायर शेप के होते हैं, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब या स्क्वायर शेप के होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब या स्क्वायर शेप में इसके जो सेल्स होते हैं, क्यूब या फिर कहेंगे क्या स्क्वायर शेप में इसके सेल्स मौजूद रहते हैं, ठीक है। अब किस पर ऑन द पेसिव मेम्ब्रेन आइस का जो न्यूक्लियस होगा ना वो भी थोड़ा न्यूक्लियस का थोड़ा सा राउंडेड या ओवल शेप का इसका इसमें न्यूक्लियस रहता है, किसमें? सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम टिश्यू में, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि किस किस जगह यह सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम टिश्यू हमारे ऑर्गेन्स के कौन कौन सा पार्ट है जिसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो देखा जाए इसमें सैलिवरी ग्लैंड, रेटिना, आयरिस, कहीं डबल आर भी मिलेगा कहीं आयरिस, सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ टेस्टिस, उसके बाद देख रहे हैं कि इन सभी जगह मौजूद रहता है आपका कौन सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। साथ ही साथ और भी जगह कहां रहेगा भाई, तो और भी देखिए थायराइड फॉलिकल्स में भी रहेंगे, थायराइड फॉलिकल सेल्स में भी रहेंगे, साथ ही साथ पैंक्रियाटिक डक्ट में भी रहेंगे। इन सभी जगह जो बॉडी का जो पार्ट्स है, ये सभी जगह बॉडी का जो पार्ट्स है ये सभी जगह मौजूद रहते हैं कौन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। अब जहां जहां ये प्रेजेंट है, ठीक है, उस आधार पर हम इसका फंक्शन भी देखेंगे, और भी सलीवरी ग्लैंड जिसमें जिसको हम कहते हैं लार ग्रंथि कहते हैं पता ना है, रेटिना तो पता है आपको, आइस का ही पार्ट है रेटिना, सबको तो पता ही होगा, आइस भी आई का ही पार्ट है आपको, यानी और एक लेंस में भी, आई के लेंस में भी ये मौजूद रहेगा। साथ ही साथ स्वेट ग्लैंड में भी मौजूद रहेगा, स्वेट ग्लैंड मतलब क्या पसीने की ग्रंथि में भी, ये देख के लाल ग्रंथि हो गया, रेटिना हो गया, आयरिस हो गया, से मैनिफेस्ट ट्यूब्स ऑफ टेस्टिस हो गया, थायराइड फॉलिकल्स हो गया, पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया, लेंस ऑफ आईज एंड स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स मतलब पसीने की ग्रंथि में भी यह टिश्यू मौजूद होता है। और इस आधार पर ही हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे, फंक्शन तो ऑटोमेटिकली पता होगा कि फंक्शन एक देखिए कि सबसे पहला फंक्शन क्या हो सकता है सलीवरी ग्लैंड में है, हा? क्या तो पता ना है, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन कर लिख सकते हैं हम लोग, हेल्प्स इन सिक्रीशन, किसको सिक्रीशन करेगा भाई सलाइवा को, क्योंकि पसीने की सॉरी लाल ग्रंथि में है तो सलाइवा को सिक्रीट करेगा ना, और पता ना कि सलाइवा में टाइलिन होता है और सलाइवा होना बहुत जरूरी होता है, और खास करके याद किया कि मॉर्निंग का जो सलाइवा होता है आप जैसे ही मॉर्निंग बेड छोड़ते हैं ना तो सबसे पहले गर्म पानी जरूर पी लीजिए बिना ब्रश किए हुए, वो अंदर जो रात में जो सलाइवा बनता है बहुत इंपॉर्टेंट सलाइवा होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यह हेल्प्स इन सिक्रीशन का लिख सकते हैं, अब रेटिना में है तो ऑटोमेटिकली ये विजन में हेल्प करेगा, आप सेमिनिफेरस ट्यूब्स में है तो ऑटोमेटिकली किसको फॉर्मेशन करेगा स्पर्म को फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा,
ठीक है, अगर ये थायराइड फॉलिकल्स में है तो ये क्या करेगा, थायरोक्सिन पता ना है, थायरोक्सिन हार्मोन सबको पता ना है, पैंक्रियाटिक डक्ट में है, पैंक्रियाज का पार्ट में है, तो पता है कि पैंक्रियाज ही एक ऐसा ऑर्गेन्स होता है जिसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। यह क्यों मिक्स ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसका 1% एंडोक्राइन पार्ट्स होता है, यानी हार्मोन्स को निकालता है, इंसुलिन हार्मोन को निकालता है, और बाकी 98-99% यह इंजाइम को निकालता है। तो दो, और इंजाइम का निकालना किसका काम है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का काम है, तो एंडोक्राइन का भी काम किया और एक्सोक्राइन का भी काम किया, इसको कहते हैं क्या, मिक्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो आप लोग देखते रहिए, हमेशा हम आप लोग को एकदम सिंपल कम कम समय का वीडियो आप लोग को बना कर देते हैं, ताकि सही से आप स्टडी कर सके और आपका नेट भी बचा रहे। ओके।